लोग को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मल्टी यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट हजारों सालों पहले ही दे दिया था। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो भगवत पुराण में एक कथन आता है जिसके अनुसार जब ब्रह्मा जी को ये पता चलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने इस धरती पर जन्म लिया है, तो वह उनके दर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। तो वह क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु एक साधारण बालक की तरह खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी असमंजस में जाते हैं कि आखिर एक भगवान साधारण बालक के साथ कैसे खेल सकता है। तो वह उनकी परीक्षा लेते हैं और उनके सभी मित्रों और मवेशियों को अपने साथ अपहरण कर ब्रह्मलोक ले जाते हैं और एक साल तक उन्हें वहीं रखते हैं। जब एक साल बाद ब्रह्मा जी वापस पृथ्वी पर आते हैं तो वह क्या देखते हैं कि उनके सभी मित्र और मवेशी भगवान श्री कृष्ण के साथ ही खेल रहे हैं। तो वह यह समझ जाते हैं कि यह भी भगवान श्री कृष्ण की एक लीला ही है और यही भगवान विष्णु के अवतार है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंतरिक आँखें बंद करी और ब्रह्मा जी ने अपने ऊपर तैरते हुए सभी रूपों को देखा, जिसमें अन्य पर असंख्य ब्रह्मा थे और किसी के 10 सिर थे, किसी के 100 सिर थे, किसी के 1000 सिर थे और वह चारों ओर फैले हुए थे और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने सर झुका कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बड़ी विनम्रता पूर्वक समझाया कि तुम केवल इसी ब्रह्मांड के निर्माता हो, अनंत असंख्य ब्रह्मांड है जो प्रत्येक ब्रह्मांड के अलग अलग निर्माता हैं, जो कि तुमसे ज़्यादा बलशाली और बड़े ब्रह्मा हैं। तो इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु ने, या माना जाए भगवान श्री कृष्ण ने, मल्टी यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दिया।